नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पोंवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान में पर्यटन, और इससे संबंधित आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े, और वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान में वर्ष 2018 में आए विदेशी पर्यटकों की संख्या है, तो कितनी संख्या है जो 2018 में विदेशी पर्यटक आए थे, तो कितनी संख्या में आए थे? 17.5 लाख की संख्याओं में आए थे। कौन? विदेशी पर्यटक। कब आए थे? 2018 को, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राज्य में देशी पर्यटक सर्वाधिक किस जगह आते हैं, तो आपको याद रखना है वह आते हैं अजमेर ज़िले में। ठीक है, राज्य के देशी पर्यटक है जो सर्वाधिक किस जगह पर आते हैं, तो आपको याद रखना है वह आते हैं अजमेर ज़िले में। अगला सवाल है कि राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल ज़िले हैं। क्या है प्रश्न? राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल ज़िले हैं, तो कौन से ज़िले हैं जो शामिल है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर ज़िले हैं जो राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में शामिल है। अगला सवाल है कि राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह मनाया जाता है जैसलमेर ज़िले में। ठीक है, क्या मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल या मरु महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? जैसलमेर ज़िले में। अगला सवाल है कि राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है, तो उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? RTDC। ठीक है, RTDC जो है जो राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस किन स्थलों को देखने आते हैं, तो आपको याद रखना है वह आते हैं ऐतिहासिक स्थलों को। ठीक है, ऐतिहासिक स्थलों को देखने आते हैं कौन? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक हैं जो ऐतिहासिक स्थल को देखने आते हैं। अगला सवाल है कि प्रदेश में होटल प्रबंधन संस्थान किन ज़िलों में संचालित हैं, प्रदेश में होटल प्रबंधन संस्थान है जो किन ज़िलों में संचालित है, तो वह ज़िले हैं जयपुर एवं जोधपुर। ठीक है, जयपुर जोधपुर ज़िले हैं जो होटल प्रबंधन संस्था में संचालित हैं। किन ज़िलों में? जयपुर और जोधपुर में। अगला सवाल है कि पर्यटन के नवीन आयामों में जो शामिल नहीं है वह है, तो वह क्या है? सहकारी पर्यटन। ठीक है, सहकारी पर्यटन है जो नवीन आयामों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन शामिल नहीं है? सहकारी पर्यटन। अगला सवाल है कि सम के टीलों पर ऊँट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहाँ जाना पड़ता है, तो आपको याद रखना है पर्यटकों को जाना पड़ता है जैसलमेर। ठीक है, तो क्या प्रश्न है कि सम के टीलों पर ऊँट की सवारी का आनंद लेने हेतु पर्यटकों को कहाँ पर जाना पड़ता है, तो पर्यटकों को जाना पड़ता है जैसलमेर ज़िले में। अगला सवाल है कि असंगत युग्म को छांटिए। ठीक है, असंगत युग्म को छांटना है, तो असंगत युग्म है चंद्रभागा मेला झालावाड़, जो असंगत युग्म है, तो इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया, तो आपको याद रखना है यह किया फरवरी 1990 को। ठीक है, फरवरी 1990 को राजस्थान सरकार ने पर्यटन को फरवरी 1990 को उद्योग घोषित किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब घोषित किया गया, तो फरवरी 1990 को। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC की स्थापना कब की गई, तो आपको याद रखना है यह की गई थी अक्टूबर 1966 को। ठीक है, अक्टूबर 1966 को केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन ढांचे के विस्तृत विकास सहित देश को विश्व में पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने हेतु भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई, कब? अक्टूबर 1966 को। अगला सवाल है कि विदेशी पर्यटक सर्वाधिक किस ज़िले में आते हैं, तो आपको याद रखना है वह आते हैं जयपुर ज़िले में। ठीक है, जयपुर ज़िले में विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं। ठीक है, कहाँ पर? जयपुर ज़िले में। अगला सवाल है कि राज्य में राजसी ठाट बाट
सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया, तो आपको याद रखना है यह किया गया था 1982 में। ठीक है, 1982 में राज्य के राजसी ठाट बाट सहित विशेष सुविधाओं से युक्त पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया। कब? 1982 में। अगला सवाल है कि राजस्थान में मरु त्रिकोण संबंधित है, तो किससे संबंधित है? पर्यटन विकास से। ठीक है, पर्यटन विकास से संबंधित है क्या? मरु त्रिकोण। ठीक है, मरु त्रिकोण किससे संबंधित है? पर्यटन विकास से। अगला सवाल है कि स्वर्णिम त्रिकोण से में शामिल है, स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है क्या? शामिल है दिल्ली आगरा जयपुर। ठीक है, दिल्ली आगरा जयपुर में जयपुर है जो स्वर्णिम त्रिकोण में शामिल है। अगला सवाल है कि अधिकाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने व उन्हें राजस्थान की शाही शानों शौकत में शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली पर्यटन रेलगाड़ी है, तो कौन सी रेलगाड़ी है? पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स आधिकारिक पर्यटकों को आकर्षित करने व उन्हें राजस्थान की शाही शानों शौकत से परिचित कराने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न पर्यटन स्थलों का पैकेज टूर उपलब्ध कराने वाली पर्यटन रेलगाड़ी है, कौन सी? पैलेस ऑन व्हील्स। अगला सवाल है कि पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटक विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। ठीक है, तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, पेइंग गेस्ट योजना है जो पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है, कौन सी योजना? पेइंग गेस्ट योजना। ठीक है, जिससे पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने की योजना प्रारंभ की गई, कौन सी? पेइंग गेस्ट योजना। और यह प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा 2010 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है जयपुर आगरा दिल्ली को। ठीक है, जयपुर आगरा दिल्ली को पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, किसको? जयपुर आगरा दिल्ली को। और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था प्रश्न कि स्वर्णिम त्रिभुज किसे कहते हैं? जयपुर आगरा दिल्ली को। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो आपको याद रखना है वह युद्ध संग्रहालय है जैसलमेर जिले में। ठीक है, जैसलमेर जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई और जिसका उद्घाटन भी हाल ही में किया गया। ठीक है, तो वह कौन किस जिले में स्थापना की गई? तो जैसलमेर में की गई। ठीक है, किस संग्रहालय की? एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, और कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। और यह प्रश्न पूछा गया था आरएएस परीक्षा 2013 में, तो आपको याद रखना है प्रश्न को उत्तर। ठीक है, और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो वह है जैसलमेर। अगला सवाल है कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, तो कौन सा है? अजीत भवन, जो जोधपुर में है। ठीक है, अजीत भवन है जो राज्य का पहला हेरिटेज होटल है, कौन सा? अजीत भवन। और कहाँ पर है यह? जोधपुर में। अगला सवाल है कि बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ निर्मित किया गया है? बप्पा रावल पैनोरमा है जो कहाँ पर निर्मित किया गया, तो आपको याद रखना है यह निर्मित किया गया है उदयपुर में। ठीक है, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ पर निर्मित किया गया, तो आपको याद रखना है यह किया गया है उदयपुर में। अगला सवाल है कि सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना है जो कहाँ पर की गई है, तो आपको याद रखना है यह की गई है नाहरगढ़ दुर्ग में। ठीक है, नाहरगढ़ दुर्ग में सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई है, कहाँ पर? नाहरगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।